श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज की साधना उन लोगों के लिए जो कर्ज में डूबे हुए हैं और डूबते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो उससे निकलने का जो उपाय है वो और धन अर्जन से होता है। कुछ एक ऐसा इंस्टांस होता है जहाँ पर धर्म धन अर्जन हमेशा जो व्यय है उससे ज़्यादा होता है, उससे अनुपात में ज़्यादा होता है और कर्जा बढ़ता जाता है। ये कई बार ग्रह दोष, कई बार कर्म दोष, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के दोषों का नतीजा होता है। जब ऐसा आए, जब ऐसा सिचुएशन जीवन में आए तो उसका काट तंत्र मार्ग से होता है। तांत्रिक मार्ग में एक साधना लक्ष्मी जी की ऐसी है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो अगर आपके कर्म ना करने के कारण अगर आप इस सिचुएशन में पड़े हैं तब तो मदद नहीं होगी, लेकिन आप कर्म कर रहे हैं फिर भी आप कर्जे में हैं तो फिर आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। साधना कैसे करना है? 41 दिन की साधना है। इसमें आप लोगों को एक यंत्र बनाना है। यंत्र जो होगा उस पर जो मूल मंत्र है वो लिखना होता है और उसी को भगवती लक्ष्मी के रूप में स्थापित करके और उसकी पूजा करेंगे आप तो आपको 44 दिन में बहुत लाभ होगा। देखो, इस पूरी साधना में जो सबसे ट्रिकी चीज़ ये है कि दिन भर में आपको साधना जाप अनुसार बहुत कम करना है, लेकिन दिन भर में 7 बार आपको बैठना पड़ेगा पूजा करने अलग अलग समय पे। दिन भर में मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक आपको 7 बार बैठना पड़ेगा। कितना जाप करना होता है तो फॉर 43 डेज आपको हर रोज 225 जाप करना है और अंतिम के एक दिन में आपको 196 जाप करना होता है, तो टोटल 44 डेज का साधना होगा। कैसे करना है साधना? सबसे पहले यंत्र बनाने के लिए हम लोग एक चंदन की लकड़ी का एक पट्टी बनाएंगे। जैसे और सब साधना में हम लोग चाहे तो ताम्र पत्र का प्रयोग करते हैं, भोज पत्र का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण पत्र का प्रयोग करते हैं, इस साधना के लिए हम लोग चंदन के पत्रिका का प्रयोग करेंगे। एक स्क्वायर में आपको चंदन की लकड़ी, सफ़ेद चंदन की लकड़ी कटवा लेनी है, वो स्क्वायर में होनी चाहिए, उस पर ही हम लोग यंत्र अंकित करेंगे। यंत्र अंकित करने के लिए हम लोग एक विशेष इंक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो तो सबसे पहले दूब घास ले लेंगे, ठीक है। दूब घास में बिल्व जो पेड़ है, बेलपत्र जिसको कहते हैं, बेल का जो पेड़ होता है उसका पंचांग लेंगे। क्या होता है पंचांग? पंचांग का मतलब होता है कि 5 चीज़ें। क्या 5 चीज़ें? तो पत्ते लेंगे हम, फूल लेंगे, उसका जो बीज है वो लेंगे, थोड़ा उसका लकड़ी लेंगे, थोड़ा उसका जड़ लेंगे, और इन पंचांग में और फिर वो बिलपत्र में सिंदूर मिला करके अच्छे से उसको पीस लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ही हम लोगों को लकड़ी चाहिए, थोड़ा ही हम लोगों को रूट चाहिए। रूट फिर भी आसानी से मिल जाता है, जो लकड़ी होती है उसको बहुत बारीक कूट करके इसमें मिलाना होता है। सबको मिला करके आप एक इंक तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मंत्र है उसको लिखेंगे उस यंत्र पर। मंत्र क्या है? थोड़ा लंबा है तो ध्यान से सुनिएगा मंत्र। ओम ऐम ह्रीम क्रोम श्रीम श्रीये नमः मम लक्ष्मी नाशय नाशय मम ऋणोत्रणिम कुरु कुरु संपादम वरदे वरदे स्वाहा। क्या है मंत्र? ओम ऐम ह्रीम क्रोम क्या ओम ऐम ह्रीम क्रोम श्रीम श्रीये। तो ओम महाबीज मंत्र, ऐम सरस्वती का बीज मंत्र, ह्रीम क्रोम श्रीम श्रीये नमः मम लक्ष्मी नाशय नाशय
मम ऋणो उत्तरणिम कुरु कुरु संपदम वरदे वरदे स्वाहा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम उस चंदन की पट्टी पर लिख लेंगे। कब लिखेंगे? शुक्रवार का दिन अगर हो, पूर्णिमा का अगर दिन हो तो सबसे उत्तम रहता है। कौन सी दिशा होगी? अगर सूर्योदय से पहले कर रहे हैं, मतलब या सूर्योदय काल में कर रहे हैं, तो ईस्ट दिशा में देखते हुए इस मंत्र को इस पट्टिका पे लिखना सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन अगर नहीं लिख पाते हैं, लेट राइजर है, तो फिर नॉर्थ की तरफ अपना मुख करके आप इसको लिखेंगे, अगर दूसरे प्रहर में आप इसको लिख रहे हैं। ठीक है, इस साधना को करते समय आप लोगों को निरामिष भोजन को तजना होगा, क्योंकि आप विष्णु प्रिय की साधना कर रहे हैं। ठीक है, आपका वस्त्र पूरे साधना काल में ऐसा होगा, जिस समय आप साधना करेंगे उस समय आपको कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। फिर क्या करना है? एक बार आपने यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित कर दिया तो उसका पंच पूजा करेंगे। पंच पूजा मतलब धूप दीप नवेद, है ना, चंदन थोड़ा सा लगाएंगे, गंध के रूप में पुष्प चढ़ाएंगे, और उसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे कि माँ लक्ष्मी आ करके उस पत्तिका पर सवार हो गई है। फिर हाथ में संकल्प लेंगे, संकल्प में हाथ में जल लेंगे, थोड़ा सा अक्षत चावल लेंगे, थोड़ा सा एक सिक्का ले लेंगे, एक सुपारी ले लेंगे, और उसके बाद अपना नाम गोत्र लेते हुए माँ लक्ष्मी के सामने ये प्रण करेंगे कि माँ 44 दिनों तक जैसा शास्त्र बोलता है उस हिसाब से ऋण मुक्ति के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, इस साधना को सफल करूँ। फिर क्या करना है? उसके बाद इस यंत्र के सामने थोड़ा सा आम का लकड़ी आपको जलाना है, ठीक है, हवन कुंड में, और मधु से पूरे दिन में 225 बार आहुति देना है। कितने बार? 225 बार, हर रोज 225 बार, 43 डेज तक आप मधु से आहुति देंगे। 43rd डे में जो है आप 196 आहुति देंगे मधु से। ठीक है, इतना करने के बाद जब सबसे अंतिम दिन मतलब 44वें दिन जब पूरा 10,000 का जाप, 10,000 आहुति समाप्त हो जाएगी, तो फिर आप एक बड़ा हवन करेंगे जिसमें दशांश यानी 1,000 आप आहुति देंगे। हवन सामग्री जो होती है भगवती की, मतलब तिल, लौंग, गूगल, उसमें थोड़ा सा रार या धूमन, उसमें ढेर सारा मधु, उसमें ढेर सारा घी, उसमें जितने तरह के सुगंधित द्रव्य आप दे सकते हैं वो सब डाल करके 1,000 आहुति माँ भगवती को देंगे। तो तांत्रोक्तर विधि से ये 44 दिन के बाद, या फिर ये 44 दिन संपूर्ण होने से पहले भी आपका जो भी ऋण है वो कटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गणना बहुत ज़्यादा है इस पूरे, क्योंकि आपको निकलना है गणना से, आप एक गिनती में फंसे हुए हैं। आपकी जो व्यय की गिनती है वो आय की गिनती को हमेशा पार कर जा रही है, इसीलिए इसका जो हिसाब रखा गया है कि 225 ही मात्र जाप करना है, मतलब आहुति, और 43 डेज तक करना है, लेकिन 7 बार में करना है। तो रोज का 7 बार का समय तय हो कि हर बार आप कितनी आहुति देंगे, और ये तय हो कि स्थान वही रहे, वस्त्र वही रहे। तो थोड़ा ट्रिकी रहता है, लेकिन अगर आप ये 40-45 दिन तक कर लोगे तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा जीवन में, और जो भी आपका ऋण है वो मुक्त हो जाएगा। आज को साधना की शुरुआती, साधना का बेसिक सीखना, विधान साधना के शुरुआती तौर में हम से जुड़ सकते हैं, क्या करना चाहिए, 9-4-3 समझ नहीं पाते हैं कि कैसे साधना का शुरुआत किया जाए, आयाम है, तो जो भी आसन बंधन, जो यंत्र विद्या, जो हवन तंत्र विद्या आपको साधना की शुरुआती तौर में जाननी चाहिए, वो उसके बाद डायरेक्ट बात कहीं से भी डाउनलोड करिए, इच्छा लेने के लिए तैयार हो जाए। www.aghortantra.com और मेरे द्वारा लिखित आर्टिकल डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप, उसमें रुद्रनाथ एट सी मेरे अलावा और सारे भी आपको भी माँ लक्ष्मी आप सभी को उन्मुख करे, मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश, अल्लाह अल्लाह।